ग्रीन हाउस इफेक्ट विद लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट विद ग्रीन हाउस गैसेस. सो इन दिस सम हीट पार्टिकल्स इनटू द स्पेस बाय द रेस्ट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट मेंटेन्स द कंफर्टेबल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड इन दिस विद द इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस वी कैन सी द most of the gases which is radiating radiation, it is more trapped into the atmosphere. It is increasing the temperature and increasing the temperature by the 1 degree Celsius. 1 degree Celsius means? What do you mean by 1 degree Celsius? So I can see that. Why 1 degree Celsius? बस ग्रीन हाउस गैसेस 1 डिग्री कितने दिन में हुआ कैसे हुआ कुछ है आईडिया. सो इट इज लास्ट सेंचुरी हैं कितने दिन में 1 डिग्री सेल्सियस हुआ 100 ईयर में कितने डिग्री सेल्सियस हुआ. सो 100 ईयर में ये कितने डिग्री वन नहीं है लास्ट 100 इयर्स कितने डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर हुआ ग्रीन हाउस गैसेस. कब हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस का पहला प्रोटोकॉल कन्वेंशन जो हुआ कन्वेंशन हुआ था कब आईपीसीसी का फर्स्ट कन्वेंशन. डू यू नो आईपीसीसी क्या है. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके कहां पे हुआ था कब हुआ था फर्स्ट जिसके वहां से लोग पढ़े नहीं हो रहा कल सर प्राइम पढ़ा है तो भूल कैसे जा रहे. एक डिग्री आप बता दोगे ऐसे तब तो फिर पता लगा हर साल एक डिग्री बढ़ता जाएगा तो आपकी रेंज नहीं जाएगी हर साल बढ़ता से तो आपको कह ही रहे ना. सो ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म द अर्थ इन अ सिमिलर वे दैट ब्लैंकेट्स फॉर्म्स अस एट नाइट. व्हाट यू वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस राइट अवे आप कहना क्या चाह रहे हो इससे. सर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ब्लैंकेट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. सो जिसकी वजह से फिर जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो बाहर जा नहीं पाता और फिर वो वार्म करता है एटमॉस्फेयर. व्हाई ब्लैंकेट का काम क्या है भाई. सर ब्लैंकेट का काम वो एक एनवलप करता है. अच्छा और एनवलप करने की वजह से हमारी जो हीट है वो उसके बाहर नहीं जाती. आप ब्लैंकेट ही क्यों कह रहे हो कॉटन शीट नहीं होता इसको जानते. सो आपने ब्लैंकेट क्यों दिया कुछ तो है रीजन ब्लैंकेट में और उसमें देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकेट एंड कॉटन. सर एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या टाइम बेटा. सर मुझे क्लास की विल बी फिर प्रेजेंटेशन दी सर. चल बस आ जाओ तो टाइम से. ब्लैंकेट में और एक चादर में कोई अंतर है. आराम से पढ़ने के लिए आराम पहले कुछ तो सीख मेरे कहने का ब्लैंकेट में और उसमें कुछ अंतर है. चादर में पसंद होती है. चादर में सिंपल सा सुन वो पसंद होती है इतना ज़्यादा हीट को इंसुलेट भी करती है. जो आप प्रेजेंट कर रहे हो जो वहाँ दिखा रहे उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. ये मेरे कहने का मतलब है आपने ये दिखा दिया जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो गर्म लगता है. क्या गर्मी कहीं से आती है. नहीं सर हमारी बॉडी में हाँ बॉडी का टेम्परेचर कितना है. 37 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस तो क्या करता है ब्लैंकेट. सो बॉडी में से ही बाहर नहीं जाने देता है. सो जब हम उसे ओढ़ते हैं तो हीट को बाहर नहीं जाने देता. बाहर नहीं जाने देता है. क्या ऐसी खासियत है इसमें. सो ये इंसुलेट कर देता है. क्यों क्यों इंसुलेशन. वेस्टर्न ये आ रही है ना आप साइंस पे आओ. क्यों इंसुलेट. अभी ये कपड़ा पहन लोगे आपको गर्म लगेगा वो ठंडा लगेगा ठीक है. और अभी ब्लैंकेट वाला कपड़ा पहन लो उलन पहन लो आपको गर्म लगेगा. ऐसी क्या बात है. वही चीज इसका कोई कोरिलेशन जो है ग्रीन हाउस से नहीं है. आप जो यहाँ बताना चाह रहे हो ये मेरे कहने का मतलब नहीं. आगे चाहो तो कोरिलेट कर सकते हो. कोरिलेट आप चाहो तो करो ठीक है. जैसे हम बोलते हैं उसके साथ में आपको बताना है क्यों करना है. क्यों करते हैं उलन. उलन कपड़े क्यों गर्म करते हैं.
आपकी बॉडी इंसुलेशन कैसे करते हैं, इंसुलेशन का काम क्या है? भाई आपका इस समय जो है ट्रैक कहाँ कर रहे हैं, किस कहाँ ट्रैक कर रहे हैं? आप रात में भी उड़ते हो तो अंदर रेडिएशन आ नहीं रहा है, क्यों गर्म करते हैं बोलो? फाइबर, फाइबर होंगे, मोटे होंगे, जितना मोटा होगा उनका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है? पोरोसिटी, उनके उनमें पोरस बहुत ज्यादा होते हैं, नीचे चीज ध्यान रखना, एयर बनी हुई होती है। और एयर क्या है? इंसुलेटर है बॉडी, ठीक है? एक एयर इंसुलेशन का ही काम कर रही है, जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको पार नहीं आने देता। ये आप बॉडी बॉडी करती है, बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डीलिंग करती है, जैसे एक सेल बिल्डिंग कर रही है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है आपका डाउन है, अंदर का टेम्परेचर आपका ज्यादा है, तो ग्रेडियंट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो मूव नहीं करने देगी। क्यों? वो पोरस मीडियम जो प्रोवाइड कर देगी। और जो ठीक है, सर ने पूछा ना कॉटन टेक्निक होती है, विस्करिंग टेक्निक, नोट कर लो भाई, विस्कर। कॉटन की जो विस्करिंग होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वूलन, तो इसलिए वो डीलिंग करने में ईजी है। समझ में आया? उसमें भी होती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मोटे कपड़े होंगे, जितना मोटा होगा जितनी लेयर होती चली जाएगी, उतना जो है आपका एयर का जो है बालू बढ़ता जाएगा, ठीक है? चल समझ में आया ना? ये है इसका पूरा, यही एक ब्लैंकेट का काम वहां भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर का जो आपका टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेरिक, आप ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के लिए क्या है, वहां टेम्परेचर डाउन है अगला लेयर, फिर इसके बाद में आगे ऊपर को बढ़ता है। वही मैंने कहा आप उसका अगर स्ट्रक्चर पढ़ते एटमॉस्फेयर का तब आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर पढ़ेंगे अगली बार, पढ़ लेना, पढ़ करके फिर से दे लेना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे तक जा रहा है पास पे ही है। चल इन केस इफ अर्थ विद नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट हैपेंड द इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड देन इट इज री ऑल द रेडिएशन विल री रेडिएटेड बैक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर so the earth temperature will be cooler than 60 degree Fahrenheit and we can see the ice age हाँ all the temperature जो है पूरा नहीं back होता है नहीं तो फिर earth गर्म कैसे होगा नहीं sir वही in case if there is no atmosphere or no gases in the atmosphere आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को किस फॉर्म में आता है एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में आता है ना आपका टेम्परेचर कितनी एनर्जी होती है एक पॉइंट तक किसी को मालूम है नहीं क्वांटा क्या है क्वांटा कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस कैसे होती है एनर्जी कैसे आती है सन से फोटॉन पैकेट को क्वांटा बोलेंगे तो क्वांटा में कितनी एनर्जी होगी ये तो कितनी होगी क्या है सो ले तो अब आप बता दीजिए ठीक है और उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो हर रेडिएशन का आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या कर तो यहां समझाने का भी मेरा काम है लेंथ लेने के लिए अभी आइंस्टाइन का लॉ पढ़ो ना पूरा आइंस्टाइन लॉ आइंस्टाइन लॉ इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लैंक प्लैंक का कांसेप्ट तो उन्होंने ही लिया था प्लांक और एनर्जी पैकेट्स के रूप में आता है प्लांक नहीं क्या आता है और उसी एनर्जी पैकेट जो आता है छोटे छोटे कण बनते हैं आते हैं जो कण के रूप में वो क्या है क्वांटम लाइट जला देता है कोई बात नहीं लाइट जला कोई नहीं चल जो एनर्जी होती है एस इनटू यू ठीक है ये क्या है प्लैंक कांस्टेंट ये कांस्टेंट है ऑलरेडी ये कैलकुलेट भी किया जाता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी होती है 90 अब जो ये म्यू है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा
जैसे ही लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी आपकी कम होगी। लॉन्ग वेव में इसलिए एनर्जी कम होगी, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रहा है तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी। और ये जो आपका सीधे देखिए विप्योर होगा, नाम सुना है सेवन कलर का, कितने होते हैं ये 400 to 7 बढ़ता चला जा रहा है। तो इंफ्रारेड के फॉर्म में ये रेडिएट होगा, लेकिन जो मिलता है आपको जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरी एनर्जी विजिबल लाइट में कितनी होती होल्ड करती है, कितनी होल्ड करेगी। ठीक है, तो एक मीडियम आया, लेकिन जो रेडिएशन होगा वो आईआर के फॉर्म में होगा, लॉन्ग वेव जिसको आप बोलते हो। लॉन्ग वेव के फॉर्म में नहीं तो एनर्जी, इसका मतलब बीच की एनर्जी कहाँ गई, किसने अब्जॉर्ब किया, अर्थ ने, सरफेस ने किया, तो सरफेस से नीचे भी जाएगा। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, जो अर्थ इज ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी एनर्जी को लेता है उतनी को ही वापस करना है इसे। अब इसके ऊपर अगर एक ब्लैंकेट हो गया तो ये इस चीज को ऊपर के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जाने नहीं देता। और अगर आप देखोगे ग्राफ बनाइए तो इस तरीके से टेम्परेचर घटता बढ़ता आता है, इसमें ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर समझ में आया ना, इस तरीके से पूरे बीच में ये ट्रोपोपॉज लेयर है, स्ट्रेटोपॉज लेयर है। पॉज का मतलब इतने के बीच की जो लेयर है आपकी 5 meters, 10 meters जो भी है, इसके बीच में टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए पॉज बोल देते हैं उसको, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, मीजोपॉज। इस तरीके से पूरे का पूरे लेयर आपकी बनती चली जाएगी। जब तक इसके बारे में आपको नहीं पता है तब तक आप ग्रीन हाउस के बारे में नहीं जान सकते। तो नोट कर लीजिएगा कि नदी आती कहाँ से, जब कैसे आती, ग्रीन हाउस गैस पढ़ो या पढ़ाओ ये कॉन्सेप्ट लेके चलो। वन अल्टम लेयर लास्ट होती है, वन अल्टम लेयर इसमें और आगे पढ़ो तो वन अल्टम लेयर तक जाएगी, वहां तक समझो कि क्या कैसे टेम्परेचर, आयनोस्फीयर के बाद सीधे आपको पता चला। ठीक, समझ में आ गया सबके। अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, तो क्यों होती है, ओशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो वो छोटी छोटी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, हमने कहा ब्लैक बॉडी, अब ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा जो है पसीना कहाँ होता है, जहां बाल होंगे आपके सिर में सबसे पहले पसीना आता है, कोई भी काम करते हैं बाल है यहाँ पर, तो ये बाल ही आपके ब्लैक बॉडी का काम करने लगता है। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है, फिजिक्स इसमें सब पूरा इन्वॉल्व है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में। जब तक वो पूरी चीज नहीं समझ पाओगे कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है, चलो बताओ, अब आप बताओ, समझ में आया, लिख लीजिएगा आप लोग जितने भी समझते हैं, सबको जब मर्जी हो तब पढ़ाए। अच्छा, सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वी आर अम्प्लीफाइंग द टाइडल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड टर्निंग अप द टाइडल ग्लोबल वार्मिंग। Pre-industrial layers of carbon dioxide were 278 ppm, or in today's time it is the 416.55 ppm, and this is the data of November 4, 2020. Who has given this data? Sir, IPCC. November 4. Okay. अभी जल्दी में हुआ था। ठीक है, अच्छा है आपका। ये pre-industrial आप कौन सी इरा आ गया? कितनी ईयर के पहले का आप दे रहे हो? 1750। उसके बाद ही इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आई है।
ऐसे नहीं देखो, मेरे कहने का आपके पास ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। जब तक डाटा नहीं होगा, डाटा से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं और सब कुछ पूरा आता है, ठीक है। डाटा से ही राधा राधा बनी है, आपका भी डाटा सेम है, इनका भी डाटा वो होगा, उनका भी होगा, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा बस, और उसी के बेस पर डिफ्रेंसिएशन होता है। चलो, ये अगर इसको उस फॉर्म में बनाए होते ग्राफिकल फॉर्म में, ईयर वाइज वेरिएशन भी है आपका, तो उस ईयर वाइज वेरिएशन अगर आप बनाए होते तब आपको पता लगती कि कितना गया है, उसको उस फॉर्म में कर लीजिए। चलिए, so discovered the greenhouse gases and the scientists that have discovered what the gene peptides Joseph Fourier. Okay, उसको लिखने का क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वही बताओगे आप। चलो, नहीं इसमें मैंने कहा था सावंती आने के लिए, आपने है तो लेकिन मैं यही बताओ क्या greenhouse से में क्या रिलेशन है ज्यादा जल्दी। सर उन्होंने ये बोला था कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और फिर वो क्या करे, वो ज़्यादा जो री रेडिएटिंग रेडिएशन उसको ट्रैप करे, लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। So are the Arrhenius the man who foresaw the climate change, and so are the Arrhenius 1859 to 1927, he claimed that fossil fuel combustion may eventually result in enhanced global warming, and he proposed a relationship between atmospheric carbon dioxide concentration and temperature, and Arrhenius suggested a doubling of the carbon dioxide concentration would lead to a 5 degree Celsius temperature rise. डबलिंग मींस कितने से डबल? सर सर जितना उस टाइम पे होगा। तो बेटी चीज ना कितने के डबल आप है काम करो। पीछे एक लाइट लगा दो। कितने के डबल आप करो? पी 78 के या 300 के या कितने की डबल अगर हम करें ना तो 5 डिग्री सेल्सियस हम देख सकते हैं। ऑप्टिमम सर वी कैन सी इसका मतलब कि अभी तक 1 डिग्री भी नहीं पड़ा। अगर इस हिसाब से हम कोई बेस लाइन तो लेनी पड़ेगी, उस बेस लाइन से जितना टेम्परेचर बढ़ा है, यानी 12 कितना आप दिखा 12 में से 5 डिग्री के आप कितने साल लग जाएंगे, सब कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेट आप कर सकते हो मैथमेटिकल। ये मॉडल बनते हैं सिमुलेशन मॉडल। चलो आगे बढ़ो, ग्रीनहाउस गैस का जो मेजरमेंट होता है वो उसका जो यूनिट है उसको आरहेनियस बोलते हैं, ठीक है, समझ गई कि नहीं? Yes. वो तो अपना चलाने में लेनी है। सो इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ग्रीनहाउस गैस में टेम्परेचर मेजरमेंट की जो यूनिट होती है आरहेनियस होती है, आरहेनियस, ठीक है, नी के नाम पे है, नी के नाम पे। वैसे टेम्परेचर की यूनिट कौन कौन सी है? सर फारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड है। और किसको मालूम है? सर केल्विन बोल अरे वो सर यहाँ हम साथ साथ पढ़ाते हैं केल्विन जूल। एक मिनट सुन के ना उसमें मुझे बताएगा। सो डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट एंड केल्विन एंड केल्विन और कुछ नहीं। हाँ हाँ यस करेक्ट यू आर करेक्ट ठीक है। इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इसका, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। चल लिखिए आप बता देता हूँ बता रहे इंटर कन्वर्जन करो। अगर फारेनहाइट को सेल्सियस में चार आप लोग नहीं लिया है वो मेरे चैम्बर में रखा हुआ है C by 5 is equal to F minus 32 upon 9 equal to R by 4। किसी को किसी के बराबर कर दीजिए, सब बराबर हैं कुछ नहीं के, ठीक है। और जब केल्विन की बात करोगे
हमेशा डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते, केवल केल्विन लिखते हैं। सी मतलब सेंटीग्रेड प्लस 273, दिस इज केल्विन। आगे नोट करते रहो तो ठीक है, आप तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 5 डिग्री सेल्सियस को जरा कन्वर्ट करो, फारेनहाइट में इसका आगे रेशियो भी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, पर बोल दो ऐसे। So the reason greenhouse gases generally they are emitted by two sources. है लिखा है सर, से लिखा था लेकिन सर इसमें आ नहीं रहा है। आगे बताइए, कहीं आपने एनिमेशन तो नहीं डाला था? नहीं सर, एनिमेशन नहीं डाला, उसे नॉर्मली डाला था लेकिन उसमें आ नहीं रहा। क्या डाला था पता ना मुझे? हाँ सर मैं बता रही हूँ, एक नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिटेड होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड समर एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स लाइक HFC, CFCs and PFCs and sulfur hexafluoride. So these are the greenhouse gases that are emitted from the anthropogenic and और कौन सी होगी सबसे मेजर? तो ग्रीनहाउस आपने बताया ही नहीं। सब मेजर ग्रीनहाउस जिसकी जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है सब वाटर वेपर। वाटर वेपर ठीक है, कहीं भी जो भी हो, इसीलिए जब आपकी बादल ऊपर होते हैं ज्यादा गर्मी होती है, किसी को भी सीजन में पर्टिकुलर मॉडरेट करने की कोशिश करता है तो सबसे मैक्सिमम तो वही होगा, लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम। इन सबकी लाइफ के बारे में पता है कितनी कितनी टाइम तक रहते हैं? लिखा है नहीं, उसी में था नहीं आगे तो आपने बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम फॉर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस 100 इयर्स टाइम पीरियड में कितना कितना क्या क्या होता है ठीक है। सबसे कम मीथेन का है सर। हाँ बिल्कुल, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की हम बेस लेते हैं इसलिए उसको एक ले लिया ठीक है। अब पोटेंशियल जो आपका दे रहा है 27.2, नाइट्रस ऑक्साइड का 273, जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो मेजर जो आपका है वो इसमें आएगा जो आपके आर्टिफिशियल कार्बन है ठीक है, इसको मैनमेड कार्बन बोलते हो, इसको कहते हैं मैनमेड कार्बन। सो ब्लैक कार्बन, मैनमेड कार्बन, सो मैनमेड कार्बन। कार्बन तो नेचुरल है, मैनमेड कार्बन भी कोई है। अरे ये सी में लिखे हुए हो, सीएफसी मैनमेड है, सीएफसी ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैनमेड कार्बन। जैसे आप सूडो सीरियल बोलते हो किसी को बनाया गया है, माइंड मेड है, उसी तरीके से ये माइंड मेड है कार्बन। अदरवाइज कहीं कार्बन नहीं मिलेगा, कार्बन आपको नेचुरली आया है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोटेंशियल एक मान करके उसके कंपेरिजन में बाकी चीजें दी गई ओके। चलो अब जहां आप थे वहीं पहुंच जाओ, ये टेबल आपको याद किए रहना। चलो क्या इसको बताना है सर? ये तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस थी जो से पहले हमने डिस्कस किया। आप अंग्रेजी बिल्कुल हो गया सर। दीस वर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम कॉज बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। सो वी हैव डिस्कस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। सो ब्लैक कार्बन आर लाइक एरोसोल ऑफ शूट, दिस पाउडर से एरोसोल एंड शूट लाइक मटेरियल और सॉलिड पार्टिकल्स that have potential to absorb the greenhouse gases or radiation inside it, and it has more potential to increase the temperature, and it also leads to melting of glaciers, and also it darkens the glaciers. Like in this picture, you can see it turns the glacier into black color. Black color. उसको क्या बोलते हैं? इसी. इसको बोलते क्या हो? और black carbon, brown carbon. साइंटिफिक भाषा में क्या होती है? सूट्स। सूट्स यस ठीक है, अगर सही है तो आप समझ लो उसको सूट्स भी बोलते हैं। आप इसका मतलब क्या आप लोग पढ़ते हो रहते नहीं इसमें तो ये तो हम लोग भी पढ़ते रहते हैं सर। मैंने बोला था सूट ठीक है। चलिए ये आप सूट्स ही सीधे बोल दीजिए, उसमें ब्लैक कार्बन और ये सब छोड़ दीजिए तो अपने आप ही आ जाता है इंडिकेट कर देगा। चलिए क्या इसमें और बताना चाहते हो? सर द लाइफ टाइम ऑफ दिस इज अप टू 2 वीक्स। सो दिस वी कैन सी
This is black carbon, brown carbon. Black carbon is like particles of shoots, or brown carbon is green, is like greenhouse gas. Yes, sir. So you can see here. Brown carbon is generally referred for greenhouse gases, and black carbon for particles resulting from impure combustion such as shoot or dust. And here we can see where this carbon comes from. So forest, crop and grass fires and fossil fuels and wood cooking fires and other biofuels. So in black carbon, the major contribution of forest, crop and grass fires, but in brown carbon, it is wood cooking fires or other biofuels. Then how much any one greenhouse influences global warming depend upon three key factors: that how much of it exists in the atmosphere, second, how long it remains in the atmosphere, and third, how effective is it at trapping heat, or we can say the global warming potential. So here, global warming potential was developed to allow comparison of the global warming impacts of different gases, and specifically it is a measure of how much energy the emission of 1 ton of gas will absorb in compared to 1 ton of carbon dioxide. So this is the global warming potential. सबसे ज्यादा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड. सल्फर हेक्साफ्लोराइड कितने लंबे समय तक रह सकते हैं? यस, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम क्या इयर्स में? यस हैं. सो ये 100 इयर्स का टाइम पीरियड है. 100 इयर्स नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है. कितने टाइम तक उनकी सेल्फ लाइफ होती है? हाफ लाइफ है ना, नॉट सेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं. हाफ लाइफ कितना होता है ये वो भी नोट कर लीजिए, नोट करके ले आएंगे आप. इन जितनी भी गैसेस हैं इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ आप लोग समझते हो? जितने टाइम में आधा खत्म हो गया और कभी एंड नहीं होता. हाफ लाइफ यही है कि कभी एंड नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर बचा रहेगा, फ्रैक्शंस में ही बचे रहेंगे. जैसे आपका वायरस आ गया तो वायरस परमानेंट बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा. ओके, वो आप एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देना, हाफ लाइफ इनकी हाफ की लाइफ. चलो ठीक है. So these are the sources and concentration of major greenhouse gases. And carbon dioxide generally come from fossil fuel combustion and deforestation, cement production. And the pre-industrial concentration was 280 ppm. Our present concentration is. ये बताइए इसमें ईयर दो गया. प्री-इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन आप कब का ले रहे हो? ठीक है, और इसमें प्रेजेंट कंसंट्रेशन आप कब का ले रहे हो? प्रेजेंट में हम आज की डेट का भी कर सकते हैं या 2022 का है, ये पूरा आप दोगे इसमें आईपीसीसी का. इसमें ईयर डाल देना चाहिए लास्ट में. लास्ट में उसमें ईयर जब तक नहीं डालोगे तब तक हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि है क्या. अब जैसे आप बढ़िया डाले हो, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन भी है मेजर प्रोसेस जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन मेजर गैसेस में सेमी कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग. इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में कौन सी गैस होती है? मेजर गैसेस आपने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में. क्या ग्रीन हाउस गैस तो इधर होगी और फिर मेजर गैसेस क्या होगी? मेजर गैसेस सोर्सेज ऑफ दिस एमिशन ऑफ दिस गैसेस. अरे मेजर एक्टिविटीज है ऊपर जो एडिंग है, मेजर गैसेस नहीं है. ग्रीन हाउस गैस तो आपने उधर दे रखा है. इधर जो मेजर गैसेस आपने डाल दिए, मेजर गैसेस ये तो गैस है ही नहीं, बल्कि तो वहां से सोर्स की बात कर रहे हैं. मेजर सोर्स, ठीक है, सोर्स हो गया. एक्टिविटी कौन सी कर रहे हो आप? तो आप बनाते बनाने के पहले देखते नहीं हो कि हमें प्रेजेंट क्या करना है? आपस में भी शेयर किया करो, इसके बाद में तब प्रेजेंटेशन आता है. प्री इंडस्ट्रियल एरिया, अब ये प्री इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ से यहीं से चालू होगा आपका रेफ्रिजरेशन से, जब से रेफ्रिजरेटर होना फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. अब वहां पर इसका मतलब कि बिजली कब बनी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज कब हुई? देखो जो ये एडिसन सबसे ज्यादा मैक्सिमम खोज तो की ही उसी ने. कब किया है? किताब पढ़ते हो वहां से कैसे चालू हुआ? फिजिक्स की या साइंस की किताब पढ़ते हो?
कपड़े पर अगर ये कौन सी किस ईयर में हुआ था, ज्यादा जरूरी तो वो है आपको ना जानना। ये नहीं पुरानी चीजें जो आप पढ़े हो उसे भूल जाओ, और कभी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स आते हैं आपके, इस पर कुछ भी नहीं आता एग्जामिनेशन में, डाटा के मैनिपुलेशन। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये था फिर ये था फिर ये था फिर ये था। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए प्री इंडस्ट्रियल बियर के एरिया में भी थी, ऐसा क्यों? मीथेन प्री इंडस्ट्रियल इरा में भी, कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल इरा में भी। चलिए अब साइंस बताइए इसके पीछे। सही, नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इसके तो आपका एटमॉस्फेयर ही नहीं बना, इस वजह से आपको वहां पर कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, बाकी का और आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। चलिए this is how greenhouse gases warm our planet. Okay. So this we have already discussed. कैसे करते हैं? Sir, इनका concentration बढ़ जाता है. As concentration increases in the atmosphere, so they trap the outgoing long wave radiation inside it and warming the temperature of the atmosphere. वो तो blanket वाला पहले ही आप बता दीजिए, duplicate नहीं हो रहा. आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताओ इससे. So the percentage of इससे क्या लेना देना? ये तो आप जो है एटमॉस्फेरिक परसेंटेज बता रहे हो ना, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक परसेंटेज आप बता रहे हो, इसका मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई आपकी 76%। क्या आप इसे मेरे कहना, तो जो भी आप वहां फिगर दे दो, एक फिगर उसी ही फिगर को आप पूरा डिस्क्राइब कर दो, एक स्लाइड तो आपकी इसमें पूरी हो सकती। सर एक चीज तो तारीफ करनी पड़ेगी, इसने स्लाइड स्लाइड बढ़िया नहीं है उसमें कोई दो रहेगा, कलेक्शन अच्छा किया है, ये बात है कि अगर थोड़ा पढ़ लेते तुम ना तो मजा आ जाएगा। सिस्टमैटिक देखो साइंस का क्या मतलब, यहाँ प्रेजेंटेशन हम क्यों कह रहे हैं कि आप क्या करना है प्रेजेंटेशन, सेमिनार में भी मैंने यही कहा था, सेमिनार में थे ठीक है, इसका नहीं एक जो आपकी स्लाइड आती है दूसरे से लिंक होनी चाहिए, अपने आप ही आधा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आगे स्लाइड कौन सी आने वाली। आपने ऐसे कुछ डाल रखा है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके आगे, हमें नहीं पता कि इसके आगे आप कौन सी स्लाइड पेश करने वाले हो, समझ में आया सर? सर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में थी उसका काउंट था और कंपेयर टू कुछ और भी कैसे, हां सर लेकिन कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है किसका? सर मीथेन तो क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ जा रही है, एक चीज बताइए ना अभी क्योंकि जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, कंफ्यूजन हो रहा है कि एनर्जी एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री किसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं सब मिल करके, व्हाट डू यू मीन एनर्जी में कौन कौन सा सेक्टर आ गया? सो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग और जैसे रोड और ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी है,
एनर्जी आप क्लियर हो, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी? सर रोड ट्रांसपोर्ट, एविएशन, शिपिंग। रोड भी इसी में आएगा, उससे कौन सी एनर्जी मिल रही है? सर हम गाड़ी चला रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो। चलिए और सर उस टाइम पे जो डीजल वगैरह उसके कंपोशन से जो प्रोड्यूस हो रहा है ग्रीन हाउस एमिशन, इट इज कम्स एट द एनर्जी सेक्टर। देन वी हैव इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सो प्रोडक्शन ऑफ दिस आल्सो एमिटेड ग्रीन हाउस गैसेस। देन वी हैव जितनी भी चीजें इसमें आप डालना चाहो सब डाल लो, कोल हो गया ठीक है, एनटीपीसी जो आपका कर रहा है, बिजली हो गई इधर की ठीक है। अब इसमें केवल सोलर एनर्जी को छोड़ करके बाकी इसके बाद जितने भी आपके एनर्जी कंजम्पशन है वो डाल देंगे। नीचे आपके जो फ्यूल्स आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है इस सेक्टर में आएंगे पूरे के पूरे। समझ में आया? बायोमास बर्निंग, इसीलिए जो है उसमें वो चीजें नहीं दी गई, केवल वेस्ट दिया है आपने, इंडस्ट्री दिया है, एग्रीकल्चर, ये तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। तो हम क्यों, मेरा मेजर कंसर्न है, हम क्यों उस पर जाए? अगर हम एनर्जी वाले सेक्टर को ही कंट्रोल कर लें, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारी कंट्रोल हो सकती है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपके लिए, एग्रीकल्चर इज नेग्लिजिबल, जो आप मीथेन की बात कर रहे हैं, अगर केवल एग्रीकल्चर में ही मीथेन आप ले लीजिए, दैट इज नेग्लिजिबल ठीक है। अब उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ जो गवर्नमेंट कितने को हल्ला कर रही है आपकी, इसमें ग्लोबल वार्मिंग चल रही है नहीं प्रेजेंटली, एक इनकलप आपका है, करें किससे? बायोमास बर्निंग से ठीक है। जो राइस के पराली जो जला रहे हैं, क्या ये पराली के काम एक्चुअली है या कुछ और है? चलिए बोलिए, कौन बताएगा? सर क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, सो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग अलोंग विद द व्हीक्यूलर एमिशन, लाइक वी कैन ऑब्जर्व इन दिल्ली, लाइक वी कैन ऑब्जर्व इन दिल्ली दैट देयर इज व्हीक्यूलर एमिशन ऑल अराउंड द ईयर, एंड अलोंग विद दैट देयर इज आफ्टर दिवाली देयर इज लॉट ऑफ एमिशन। ये तो रहा एक ही वाई कितनी है दिल्ली की इस समय, एक ही वाई शामिल 300 नीचे बात ही मत करो, 350 के आसपास हो रहा है अगर कम भी होगा ठीक है। उसके साथ में मेजर जो आपका ये टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, जो कूलिंग हो रही है एटमॉस्फेयर की, कंडेंसेशन हो रहा है, वो रिस्पांसिबल है मैक्सिमम ठीक है। और इसके लिए और क्या रिस्पांसिबल है? मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जो बिल्डिंग्स बन रही हैं 2.5 जो आपकी पार्टिकुलेट मैटर है वो रिस्पांसिबल है, पार्टिकुलेट मैटर। केवल यही नहीं है कि आपका एरिया हो जा रहा है, हाँ इस एरिया में चूंकि ये उसको मिलके और एग्रावेट करता रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज और भी छोटे होते हैं, वो कंडेंस होते हैं, जो पार्टिकल साइज है 2.5 ठीक है पार्टिकुलेट मैटर पर, वो जो है एग्रीकल जो बर्निंग के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो उसके ऊपर भी कंडेंस हो जाता है, इसलिए वो एग्रावेट हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे मेजर सिंक क्या है कार्बन का? कैसे जो है दूसरे को बता सकते हैं, यही तो आपका यही कला होती है साइंस के साथ। आगे बढ़ो, the subsectors of greenhouse gas emission. Here you can see these shares of transport 16.2%, building 17.5%, industry, energy 24.2%, then agriculture and fishing. मैंने आपसे क्या कहा था सबसे कम किस में आ रहा है? एग्रीकल्चर में, और वो इतना जो है एग्रीकल्चर हो रहा है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर का ही आ रहा है।
ये चीजें पहले की होती थी, जब जो है बायोमास बर्निंग तो अब तो कहिए तब भी कम हो रही है, तो और ज्यादा होती थी बायोमास की बर्निंग, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो अब आपको जो है पता करना है ये कौन सी है एक्चुअली, कितना कितना कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भी है उसके कितने कितने बिल्डिंग्स का, देखो सबसे ज्यादा आपने 17.5 डाल भी रखा है, रेजिडेंशियल 10.9, कमर्शियल 6.6, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, रोड में 11.9। अच्छा दिया है, कहा कि आपने करेक्शन सही किया है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो है उतना ही पुअर है, कलेक्शन जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा, बढ़िया होगा नेक्स्ट टाइम, अच्छा ही करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो है डाटा से ही आती है, मैंने पहले ही कहा जो कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं, जैसे एग्रोनॉमी की डिफिनेशन भी अगर आप निकाले हो तो कहां से आया है, डाटा से ही तो आया। तो ये डाटा सेट आपका बहुत बढ़िया है, तो इंटरप्रिटेशन बढ़िया करो अपना, क्योंकि आगे सेमिनार भी दो और भी चीजें हैं। देन और बी बोल्ड, रिलैक्स होकर के बोल्डली बोलिए, चलिए हाँ क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, क्यों होता है इतनी जल्दबाजी में, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ कह रहे हैं, आपको तैयारी इतनी और करनी है, जीत की तैयारी करा रहे हैं हम लोग, जीत की तैयारी करा रहे हैं, इसीलिए आपसे पढ़वा रहे हैं, बाकी चीजें बेसिक्स तो हम बताते हुए चल रहे हैं ना, बेसिक्स तो हम आपके ऊपर नहीं जा रहे, ये फार्मूले और जितनी भी चीजें हैं, कि ये जो क्यों होता है इसमें ह्यूमन में, सर ह्यूमन में कितने चैंबर होते हैं ह्यूमनेट्स, सो 4 चैंबर होते हैं, कौन-कौन से, ह्यूमन रेटिकुलम कॉन्सम एपोफिसिस, ओके, और किस उसमें जो है, सर ह्यूमन में होता है ये जो एंटी कॉम्युनिकेशन है, जब वो रीकंजुगेशन करके वो अपने ह्यूमन में सेंड करते हैं, उसके बाद वहां पे कॉम्युनिकेशन होता है फर्दर ब्रेक डाउन के लिए, सो दैट इट कैन कन्वर्ट इट इनटू अ शुगर्स, सो फॉर दैट टाइम ड्यू टू फर्मेंटेशन इट रिलीज मिथिनोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट, मिथिनोजेंस बैक्टीरिया मल्टी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन दैट ह्यूमन, सो इन दिस मिथिनोजेंस आर आल्सो प्रेजेंट दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन गैस, एंड दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कैटल बॉडी एज अ बर्पिंग और वी कैन से बेल्चिंग, और आर्मी में होनी होती है, आर्मी में नहीं होते हैं, हमारे में फर्मेंटेशन नहीं होता, फर्मेंटेशन नहीं होता है, पेट में फर्मेंटेशन नहीं होता, सर हम लोग ऐसे रफेजेस नहीं कंज्यूम करते, रफेजेस कम करते हो, ये चीज यहाँ ले आओ ना, इस चीज को रफेजेस में ले आइए, आपकी बॉडी जो है पूरी रफेजेस के लिए नहीं है, यू आर नॉट 100% वेजिटेरियन बाय नेचर, अगर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ, इंटेस्टाइन की लेंथ उसमें वेज वाले में बहुत लंबी होती है, प्राइवेट्स में देखिए बहुत ज़्यादा होती है, इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमन बीइंग में कम है, उसी तरीके से जो आपके नॉन वेज वाले हैं उनमें बहुत ही कम होगी, छोटी होगी, तो मेजर रीजन रफेजेस का है, क्योंकि वो टोटल रफेज ही खाते हैं, रफेज का मतलब ग्रासेस टोटल आगे, समझ में आ गया भी क्यों होगा, चलो और ये किस लिए जो है वो जुगाली करते हैं, रिमिनेशन किस लिए करते हैं, ह्यूमन तो एक पार्ट हो गया डोमेन का, किस लिए करते हैं, सर वो एक बार में ज्यादा चारा कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसको फिर से जो है ह्यूमन से मुंह में ले आते हैं, ठीक है, रिमिनेशन के लिए, जिससे इजिली जो है डाइजेस्टेबल हो, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाए, आप भी इसी से चबाते हो पूरे एक साथ में, और वो एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं अंदर को, तो है ना क्वालिटी बढ़िया इनकी, चलो देन अदर मीथेन एमिशन सोर्स ऑफ इज पेरिफेरी, सबमर्ज्ड पेरिफेरी, सो ये थ्री देयर मेरा बाय व्हिच मीथेन रीचेस इनटू द एटमॉस्फेयर, one is diffusion and another one is ebullition, and do you know ebullition, sir, like bubbles form in the air, bubbles ke formation ke through jo methane bahar jata hai,
from the submerged field. So this is what we call humidity. Okay. Or another one is diffusion due to the concentration. Or third one is through plants. Like Erinaceae, these roots respire or they absorb. क्या सब प्लांट से होता है? Yes sir. हर एक प्लांट से होता है? No sir. सारे भी प्लांट होते हैं जिसमें एरेंकाइमेटिस टिश्यूज होते हैं, क्या वो भी ऐसे करते हैं? क्या वो ऐसे करते हैं? ये भी मेरे ने मतलब था. एक्चुअली इसमें चैनल होता है, एसिजेनिक चैनल बोलते हैं. एरेंकाइमेटिक टिश्यूज चैनल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे दिखते हैं ना भाई. आप लोग सब इतने भी हाइड्रोफिलिक प्लांट्स हैं, जलकुंभी देखा है उसमें टाइमर ना, जलकुंभी वाटर हाइजन उसमें टाइमर ना होता क्या? उससे निकलती है मीथेन हैं? अरे स्पेसिफिक ये चैनल का काम. तो मेन जो है आपको ये चीजें जाननी जरूरी है. हम इसी जगह पे राइस की जगह पे अगर हम दूसरा प्लांट देते, मक्का भी उसी सीजन का है, ज्वार भी उसी सीजन की है, ठीक है, सेम वे में सोयाबीन भी उसी सीजन की क्रॉप है, इनसे क्या निकलेगा? अगर नहीं निकलता तो नहीं निकलता, ये चीजें आपको जानना जरूरी है. इसमें सबमर्ज कंडीशन है और एक रिड्यूसर की वजह से यहाँ पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया डेवलप होते हैं. जब मिथेनोजेंस बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में, फिर वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन. तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं तो कम हो जाएगा. हाँ सर, इसलिए आप उसको सजेस्ट भी करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. लेकिन वो तो इवोल्यूशन के थ्रू कम होगा, जो प्लांट के थ्रू जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा. क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी जो है आप नहीं समझ रहे. हाँ, अगर अगर एरोबिक कंडीशन हो जाए सपोज एरोबिक कंडीशन, सो प्लांट का जो कंट्रीब्यूशन है मीथेन में, प्लांट सेल्फ कंट्रीब्यूशन, वो ऐसा चलेगा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा. क्यों? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे समर्ज कंडीशन की वजह से एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, बट ऐसे उसमें हम ऐसे एनारोबिक कंडीशन डेवलप नहीं कर रहे जिसकी वजह से मीथेनोजेनस जो बैक्टीरिया है वो मीथेन में कन्वर्ट नहीं कर रहा. क्या बनेगा? कुछ बनेगा ना, मीथेन की जगह कुछ और बन जाएगा. क्या बनेगा? मीथेन की जगह अगर मीथेन की बर्निंग करते हैं तो क्या बनता है? मीथेन की बर्निंग करोगे तो क्या बनेगा? अरे मीथेन तो उसका सोर्स भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी सब जगह यूज करते हो. सोर्स ऑफ एनर्जी है मीथेन. ये जो आप डीजल पेट्रोल उसमें इथेन होता है उसकी जगह पे मीथेन हम करते हैं तो तब भी चलेगा. क्या बनता है अगर ये मीथेन या इथेन को जलाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ भी रहा है तो बता नहीं रहे हो आप. वही पूछ रहे हैं, जब एरोबिक कंडीशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. कार्बन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. वाटर मतलब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन हो गया. इसकी वजह से हाइड्रोजन मिलेगा तो मीथेन बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. ठीक हो गया. इसीलिए जब गाड़ी चलाते हो चाहे पेट्रोल या डीजल से, थोड़ी देर बाद बंद कर दो तो उसमें क्या पानी भी गिरता है, उसके पीछे की डिपेंडेंस जैसा होगा तो उससे पानी भी बनता है और आपके उससे बाहर आता है गैस पाइप से. तो इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब एरोबिक कंडीशन होगी. तो मीथेन का जो हमारे पूछने का जो मतलब था, इसका मतलब ये है कि थ्रो प्लांट जो आपका इमिशन हो रहा है दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड. ठीक है, ये बोलिए. चलिए गुड, कलेक्शन तो बहुत बढ़िया है. ये फोटो एनिमेशन किसने कहाँ से ले लिया? बहुत बढ़िया, कहीं से कॉपी किया है और अपने आप बनाया है? नहीं, हम इसमें एक लगा रहे हैं, इसको लेनी पड़ेगी टीम में. सो व्हिच प्लांट परफॉर्म बेटर इन ग्रीन हाउस इन ग्लोबल वार्मिंग? सो इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल इंक्रीज सो इट विल बेनिफिट द सीसी क्रॉप्स, और इफ टेंपरेचर विल इंक्रीज सो इट विल बेनिफिट द सी4 क्रॉप्स. राधा
इतना तो बताना ही बताना है। ये इमोशन क्या इंडिकेट कर रहा है इसका? बोल बोल कर आपने क्यों इस फोटो को डाला था? चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आपका इसी के साथ करा लेते हैं, क्यों डाला इस फोटो? सर वो इसलिए कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्लांट बेटर परफॉर्म करेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसमें इस तरीके की कुछ समझाएगा वो तो सोचने वाला आएगा उसमें तो सोचने वाला आएगा ना वाले क्वेश्चन है उसमें तो सोचने वाला आएगा सी थ्री डाले हैं सी फोर तो ही रहेगा इस मौसम की। अब ये बताओ सी थ्री सी फोर चलो ठीक है साइंस के आते हैं, कौन सा बढ़िया करेगा सी थ्री या सी फोर अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? सी फोर करेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इंक्रीज कर रही है। yes. तो आप कैसे सी फोर हो पाओगे भाई? सी टू सी ओ टू की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सी ओ टू भी तो बढ़ रहा है। अब बताइए क्यों अगर है तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मेरे से पूछना है, सब कुछ तो मेरे से ही पूछना है, क्या करने आई है? सबको पता है नहीं तो पढ़ लेना, वैसे मैं ये तो बता देंगे कुछ दिक्कत। कार्बन डाइऑक्साइड कंडेंसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट, ये C3 और C4 में वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कंपनसेशन एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट डू यू नो कंपनसेशन एंड सैचुरेशन? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। चल बता कंपनसेशन किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन, क्या मतलब है इसका? सर कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है प्लांट का वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ कंपनसेशन पॉइंट। सर CO2 सैचुरेशन दो कई चीजें होंगी, हम कहते हैं कि लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट सैचुरेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट, अब इन सब में कुछ अंतर है? सर कंपनसेशन में सबसे बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि रेस्पिरेशन तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, तो बेनिफिट क्यों नहीं? सीफोर को नहीं होगा, उसमें जो फोटोसिंथेटिक आपका मतलब फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा तो उसे तो बेनिफिट होगा नहीं होगा कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट किसका कम है किसका कम है किसका ज्यादा है? चलो अब आपके लिए एक असाइनमेंट दी है, पढ़ के भी आओगे सी थ्री सी फोर एंड सी एम प्लांट्स में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और एटलीस्ट 25 डिफरेंसेस, कम से कम 20-25 डिफरेंसेस आपको उसी में ये पूरी चीज आ जाएगी। 25 समझ में आया? नोट करो, नहीं तो मैं इसको पढ़ाता, पढ़ाने के पहले ही हम बता दे रहे कि ये जो है सी थ्री सी फोर सी एम प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसमें ये आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है, सैचुरेशन पॉइंट कितना होता है, ठीक है, ये सब पूरी मॉर्फोलॉजी किसकी कैसी होती है, क्यों ये अच्छा होता है सी फोर, फोटो रेस्पिरेशन किसमें ज़्यादा होगा, एनर्जी कंजम्पशन किसमें ज़्यादा होगा, ये पूरी चीज़ें आपको उसमें आती हैं। अवॉइड क्लीज 25 ये आपका असाइनमेंट है एंड यू विल सबमिट इट। हाँ सबमिट विद इन वीक, इसमें से क्वेश्चन भी पूछेंगे। देखो एक क्वेश्चन अनाउंस कर दिया सर, एक क्वेश्चन अनाउंस कर पहले से ही बोल दिया, इसमें से क्वेश्चन भी पूछेंगे। सो इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सर ग्लोबल वार्मिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर फ्लडिंग राइजिंग सी लेवल चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स एंड सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज एंड ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज एंड widespread diminishing of animal population due to habitat loss and loss of plantings due to warming of seas, spread of disease like malaria. Why malaria? So malaria or P. X. नहीं why malaria? क्योंकि as temperature increase होता है, so it creates a favorable condition for the increasing the population of these mosquitoes, which is responsible for spreading these diseases. क्या malaria नहीं होगी ज़्यादा? Yes. फाइलेरिया नहीं होगी? फाइलेरिया मलेरिया तो आपने बोल दिया, फाइलेरिया नहीं होगी, वो भी तो मॉस्किटो के थ्रू ही आता है। सर एक्सेट्रा है, एक्सेट्रा कौन कौन से होंगे फिर? एक्सेट्रा नहीं होगा, अभी अभी तो बहुत कॉमन जो है फीवर हो रहा है, यस सर, वो भी उससे ही होता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया और
तुम्हारी उस एरिया में अच्छा खासा फीवर होता है डेंगू, और इस समय तो और भी ज्यादा उधर गोरखपुर और उस एरिया में आपके बस्ती के एरिया में खूब होती है। ये भी तो अयोध्या की है, महिषी फैजाबाद की है। अच्छा, ये डीके शुक्ला के गांव के बगल की। हाँ, कौन बता रहा है कोई? ठीक है, एक्सेट्रा लिखने के बजाय आपको पता होना चाहिए। चलो इसमें से आगे क्या बताना चाह रहे हो? सो दीज आर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और केवल इतना ही था? स्लाइड है, लास्ट है। दीज आर ऑल बी आगे। हां, तो आगे चलते हैं। सेकंड ईयर बैक ऑफ। So this is also the impact. We can see the people receiving water from a tanker on a hot day in Allahabad, India, as the ground water is depleting. So ground water कैसे deplete करेगा? एक तरफ पर water inundation होगा, दूसरी तरफ पर ground water deplete करेगा। Sir, इसकी वजह से sir drought conditions आ रही है और लोग क्या कर रहे हैं? तो tubewells और ये सब लगा लगा के ground। नहीं, बोल क्या होगा इससे? अगर बोथ हाउस एक ही पॉइंट दो पानी, अगर रेनफॉल और ड्राउट में से एक को चुनना हो, विच वन इज मोर रिस्पॉन्सिबल? रेनफॉल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और ड्राउट आर मोर रिस्पॉन्सिबल? ड्राउट कहां से आता है? ड्राउट का रीजन क्या है? आने वाले दिनों में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बोलिए, ड्राफ्ट का रीजन कहाँ से आता है? सर जब रेनफॉल कम होती है, लॉस ऑफ रेनफॉल। मेन रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? तो इसलिए मैंने कहा ड्राफ्ट आ कहाँ से रहा है? रिचार्ज नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी वजह से ही तो टेम्परेचर जो है वैरी कर रहा है। क्या ईटी अर्थ की वैरी कर रही है ओवरऑल आपके प्लेनेट की? लोकल साइट स्पेसिफिक किसी लिए कहते ना मैनेजमेंट करना होता है, और एग्रोनॉमी में यही चीज इम्पोर्टेंट है। क्या ये वहां भी चेंज हो रहा है? आपका एक ग्लेशियर पिघलेगा ना, पानी जाएगा, समुद्र का पानी तो उतना उतना ही रहेगा, बल्कि यहाँ से जाएगा और लैंड मास आपका कम होगा, मतलब लेवल बढ़ गया सी लेवल। तो सी लेवल में बॉटम पे क्या है? मावी तो रात सी है, देखा है नहीं कभी समुद्र? नहीं देखा है, जाकर के देखना। उसके नीचे तो आपके सब रॉक्स ही रॉक्स हैं, सेम टोपोग्राफी है, सी लेवल के सेम, जैसे आप अर्थ पे देख सकते हो आपके टोपोग्राफी वैसे। सी लेवल के अंदर आपको पहाड़ भी मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़, वो बीच में गेसेस होते हैं ना, उन सब मूवी है जिस तरह कौन सी मूवी थी जो जहाज वो टाइटैनिक टाइटैनिक पहाड़ से तो टकराती है जो सी के नीचे पहाड़ रहते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। बॉम्बे गए हैं? चलो कभी जाना तो घूम लेना उधर बांद्रा वर्ली के बीच में जो सी लिंक बना हुआ है, पहाड़ ही पहाड़ आप देखोगे वहां नीचे। बट पानी को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए ना, कहाँ रुकेगा पानी? जैसे ग्लास में आप डालते तो नीचे ग्लास का लेवल है, उसी तरीके से पानी रोकने के लिए तो कुछ चाहिए। तो 3/4 पानी है उतना ही मेंटेन है, वेरिएशन केवल उसके कंपोजिशन में, जैसे एटमॉस्फेयर है तो उसके कंपोजिशन में वेरिएशन हो रहा है बस, कहीं और 100% ही सब। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे परसेंटेज लेवल पर सेम रह जाएगा। तो कैसे आप कह रहे हो ग्लोबल वार्मिंग है ये है, अब आप इसको प्रूफ कर सकते हो? चलो पढ़ के प्रूफ करेंगे, पढ़ के प्रूफ करना, ठीक है ना? इसी तरीके से मतलब सिंथेसाइज के लिए क्वेश्चन नहीं है। आप पीएचडी में मस्त सिंथेसाइज थिंग्स
हम कुछ कर रहे हैं थोड़े, जितना आपको नॉलेज है उतना ही नॉलेज हमारे पास भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ेगा, आपको पढ़ाने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। बस आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप इसको ध्यान दिए होंगे, मोस्टली बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आपका बेसिक पूरा सब लोगों का आई मीन इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव करिएगा। चल आगे, नासा की फोटो बहुत डाली। नहीं ठीक है सर, आजकल नासा को रिटायर का मजा आया है। नासा फुटबॉल जानती है? हैं? किसको मालूम है? एक मिनट हम पूछेंगे किसको मालूम है, बताओ। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। किसको अब सही बताएगा, कौन बताएगा? अच्छा अभी थोड़ी सी गड़बड़ी है, सबका गलत है, आधा तो गलत हो गया ना। नासा इंडिया में तो नेशनल का स्टेशन तो डाल दिया। अरे आप लोग डाटा भी लेते हो, सब कुछ करते हो, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नोट करो, अगर नहीं मालूम तो समझ में आया नहीं। अब हमें कैसे मालूम है, अभी तो आपके बराबर ही है। मेरे कहने का मतलब एक बार करो उसे परसीव करो, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कभी, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो है वो क्या है? इसरो क्या है? ये याद है, यहाँ इंडियन है, वहां यन का मतलब हर जगह पे नेशनल मतलब है, ठीक है। आई की जगह इंटरनेशनल भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है। पिकनिक साइड फुटबॉल जानती है? बोल सर। इंटरनेशनल ट्रॉफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई कहाँ पे है? दोनों अलग अलग बताइए। इन हैदराबाद इतना टाइम सोचने में लग रहा है। क्लास है वो था इन हैदराबाद, हमारी स्टडी में था इन हैदराबाद एंड द फर्स्ट ट्रायल बच्चों को जान क्या पर बहुत अच्छा। ये होता है आप अपनी क्लास है क्या? जाइए किसकी क्लास है? और भी बढ़िया से इसको रिफाइनमेंट कर लीजिए। कितने स्लाइड्स आप लाए? चले एक घंटे की छुट्टी लाए, बहुत ज्यादा है। चल कोई दिखा दे फोटो आपको, इसीलिए ग्रीन हाउस भी आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये तो सब आपस ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तो ये तो खुद ही अपने आप में ही एक